नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सोनू से चंद्रदेव बरनवाल की रिपोर्ट। परवाज स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंटर के निदेशक डॉक्टर MS परवाज के द्वारा झाझा स्थित विद्वान डॉक्टर आबिद हुसैन के निधन पर जताया शोक। उनके आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए रखा गया 2 मिनट का मौन। उन्होंने परिजनों को धैर्य रखने की कामना एवं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने का अपील किए। जम्मू जिले के सोनू प्रखंड से दैनिक लाइव न्यूज चैनल के लिए मैं चंद्रदेव बरनवाल। अभी मैं परवाज स्पेशली नर्सिंग होम में उपस्थित हूँ, जहाँ पे नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने पिछले लॉकडाउन के दौरान गरीबों के बीच काफ़ी सामग्री का वितरण किए हैं। साथ ही अभी ठंड के मौसम में भी गरीबों के बीच कंबल आदि का वितरण कर रहे हैं। लेकिन अभी तत्काल आज झाझा के एक प्रमुख डॉक्टर साहब का निधन हो गया है। इनके विषय में इनसे जानना चाहेंगे। सर, आप भी एक डॉक्टर हैं, उनका निधन हो गया है, उनके संबंध में ज़रा धन्यवाद बताएँ। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर आबिद हुसैन साहब की इंतकाल, उनकी देहांत, एक बहुत बड़ा हम लोगों ने लॉस किया है। इस क्षेत्र के एक धरोहर चले गए और बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर पाएंगे इस धरोहर को जो मैंने खोया है। वो डॉक्टर के साथ साथ एक गरीब परवर लोग भी थे और एक लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनको विदेश में भी रहे हुए हैं, जब बहराइन में थे उस समय से लेकर अभी तक जो उन्होंने ज़िंदगी काटी है वो सादगी का ज़िंदगी काटा है। और आज मैं और ये क्षेत्र एक धरोहर को खो दिया है। हम चाहेंगे कि अपने हॉस्पिटल की ओर से, सोनो वासियों की ओर से, सोनो व्यवसायियों की ओर से, सोनो में गरीब दलित सभी लोगों की ओर से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही साथ उनके परिवार को ईश्वर सब्र दे और उनके परिवार को लोगों को भगवान शांति दे, ये हमारी कामना है। और उनकी भरपाई शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो बहुत बड़े चीज़ थे और उससे सबक भी हम लोगों को लेना चाहिए था। हम लोग नई पीढ़ी हैं, उससे सबक लेनी चाहिए कि वो क्या थे। मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान स्वर्ग में ऊँची से ऊँची जगह दे, ये हमारी कामना है। जय हिंद, धन्यवाद।